राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सोमवार को जयपुर लौटे और सांगानेर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाना है और पीएम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हमें केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना है। सीएम ने आमजन से अपील की कि इस यात्रा के माध्यम से अधिक लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं से जोड़ें और सभी को योजनाओं के बारे में जानकारी दें। सीएम ने संबोधन करते हुए कहा कि आज मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि योजनाओं के लिए जितने भी पात्र लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनमें अगर कोई भी व्यक्ति छूटता है तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों में विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और आज हमने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगेगा और शहरी क्षेत्र में 737 शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं शिविर में आमजन मौके पर ही योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जिसका लाभ उसे मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस अभियान की जयपुर में शुरुआत के बाद अब मंगलवार को कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा जिलों में भी नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का आगाज होगा। 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा। संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच में जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक इस योजना के दायरे में उन व्यक्तियों को लाना जिन पर योजना नहीं पहुंची है। योजनाओं के संबंधित लाभार्थियों तक शत प्रतिशत पहुंचना सुनिश्चित करना इस यात्रा का उद्देश्य है। कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रह पाए इसके लिए भी हमें काम करना है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर जैसा मैंने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में आज से प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आप इस योजना के लाभ के लिए पहुंचे। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान शहरी अभियान की शुरुआत आगाज है वो हमारे नगर निगम ग्रेटर के यहाँ सांगानेर स्टेडियम से किया गया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी के हाथों से किया गया है और वो लाभार्थियों के साथ में संवाद भी किया, शिविरों का अवलोकन भी किया और इसके बारे में संवाद करके उनको भी अच्छा लगा कि हमारे भारत सरकार की योजनाएँ हमारे छोटे छोटे व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्तियों की एक कायाकल्प कर रही है, उनके जीवन को परिवर्तित कर रही है, उनको एक आधार, उनको एक डगर प्रदान कर रही है कि वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। इसका उद्देश्य है भारत सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं हैं उन वो योजनाएं जन जन तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे, ढानी ढानी तक पहुंचे और हर वार्ड में हर क्षेत्रवासी तक वो योजना पहुंचे और उसका धरातल के ऊपर सभी लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत के लिए ये हमारी सक्सेसफुल स्टोरियाँ होगी जैसे अभी आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने दो बहनों की कहानी बताई आपको, ये सब कड़ी से कड़ी जोड़कर हमारे देश को 2047 में विकसित भारत के रूप में प्रदर्शित होगा।